कोरोना वायरस ये एक ऐसी संक्रमित बीमारी है जो आपको दिखेगी नहीं लेकिन अंदर ही अंदर आपको खा लेती है। ये कोरोना वायरस पूरी दुनिया में और देश में, भारत में भी इस कदर फैल रहा है कि हर एक खेल जगत के टूर्नामेंट्स को या तो स्थगित कर दिया जा रहा है या तो रद्द कर दिया जा रहा है। और इसका अब चपेट में आया है भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का वनडे मुकाबला। हम आपको बता दें कि भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के वनडे मुकाबले दो बचे हुए थे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के तीन वनडे मुकाबले होने थे। पहला वनडे मुकाबला 12 मार्च को धर्मशाला में खेलना था, वहां बारिश हुई, बारिश की चपेट में आकर पहला वनडे धुल गया। दो वनडे बचे थे, 15 मार्च लखनऊ के एकाना स्टेडियम में, आखिरी 18 मार्च कोलकाता के ईडन गार्डन में। लेकिन इन दोनों मुकाबले में पहले कहा गया कि कोरोना वायरस के खतरे की वजह से स्टेडियम खाली होगा, बिना दर्शकों के मैचेस होंगे। लेकिन शायद वक्त को ये नागवार गुजरा और ये मैच ही, इस सीरीज को ही पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया। यानी कि कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका की टीम भारत तो आई पर मुकाबला नहीं खेल पाई और बिना मुकाबला खेले ये टीम बाहर ही हो गई। कौन जीता कौन हारा, लेकिन कोरोना वायरस की जीत इस चीज में हो गई। हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से इस टूर्नामेंट को अब रद्द कर दिया गया, वनडे सीरीज को रद्द कर दिया गया, बाकी के दोनों वनडे सीरीज रद्द हुए। दक्षिण अफ्रीकी टीम भारत दौरे पर तीन वनडे सीरीज खेलने आई थी लेकिन उन्हें बिना कोई मुकाबला खेले ही स्वदेश अब लौटना पड़ेगा। दरअसल कोरोना वायरस के चलते भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका सीरीज के बचे हुए दो मुकाबले रद्द कर दिए गए हैं। इससे पहले इंग्लैंड ने भी अपना श्रीलंका दौरा कोरोना वायरस के डर से रद्द कर दिया और उनके खिलाड़ी स्वदेश लौट रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच लखनऊ और कोलकाता में होने वाले वनडे मैचों को रद्द करने की जानकारी बीसीसीआई के करीबी सूत्रों ने दी है। बीसीसीआई ने अब तक कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया, लेकिन हाँ मैं आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आ रही कि अब इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बचे हुए वनडे सीरीज भी रद्द कर दिए गए हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।